कारण क्या? बोले कारण है, पहले आप जो बड़े बूढ़े होंगे आपको पता होगा, पहले नियम होता था जब कोई बच्चा जन्म लेता है ना, किसी वंश में 21 दिन तक, किसी वंश में 31 दिन तक माताएं घर से बाहर नहीं निकला करती थी, वो अपवित्र रहते थे। वो बाहर अंदर में जैसे कंडा जला करके उससे ही सेकाया करती थी, वो अपवित्र रहती थी पहले, उसमें बाहर कोई नहीं निकला करती थी। लेकिन अभी धीरे धीरे सब संस्कृति खत्म हो गई, लेकिन कृष्ण जब गोकुल में जन्म हुए पूरा ब्रज में हल्ला हो गया, ब्रज में हल्ला हो गया। नंद की इतने सुंदर है कि लाला भयो है, एक बार देखो ना देखते ही रह जाओगे। लेकिन पहले नियम था अंदर में पुरुष लोग नहीं घुसते थे, केवल माताएं घुसते थे। अभी ब्रज में हल्ला हो गया, कृष्ण बड़े सुंदर ब्रज सुंदर। लेकिन अभी कृष्ण जब जगत में आए वो अकेले नहीं आए, पूरा गोलोक ब्रज को उन्होंने उतार दिया। लेकिन जितने पुरुष लोग है ना वो तरसते थे, माताएं तो अंदर में चली जाती थी लेकिन पुरुष तो लोग घुस नहीं पाते। सब ब्रजवासी मन में इच्छा होता था हम कन्या को कैसे देखे, कन्या को कैसे देखे, लेकिन अंदर में तो हम घुस नहीं सकते। अभी कृष्ण ब्रजवासियों की भाव को समझ कर तो उन्होंने पुतना को बुला लिया, और पुतना ने किया कि अंदर में गई, वो तो स्त्री थी ना, वो अंदर में गई और कृष्ण को पकड़ करके सीधा बाहर निकाल दी। जब उसने बाहर निकाल दी फिर तो ब्रज में हल्ला हो गया, भैया कहाँ से एक राक्षस आई और कृष्ण को पकड़ करके उसने बाहर निकाल दी। अभी जितने ब्रजवासी थे सब के सब इकट्ठे हो गए, और इकट्ठे होकर के कृष्ण के जब 6 दिन था बास कन्या का दर्शन हो गया, सब के सब कृष्ण का दर्शन करके तुष्ट हो गए, सब के सब खुश हो गए, हमें नंद का लाला की दर्शन हो गई। अभी कृष्ण 3 महीना के हुए, देखना बच्चा जब 3-4 महीना का होता है ना बच्चा करवट लेता है, करवट लेता है ना, अभी कृष्ण करवट लिया। अभी नंद जसोदा सुजग ढूंढ रहे थे कोई एक हिंट इंगित मिले और लाला को हम उत्सव मनाए। जब कन्या ने करवट ली मैया को तो बड़ा आनंद हुआ, बोले लाला के शरीर में ताकत आ गया है, तभी तो बच्चा करवट लेता है। बोले आज हम करवट लेने का घर में उत्सव मनाएंगे, सारे ब्रज गोपियों को नौता दे दी और अपना आंगन को साफ सुथरा करके जितने दूध दही थी एक दूर में एक बैलगाड़ी के ऊपर रख दी, और गोपियाँ सबके सब बुला करके घर में कीर्तन कर रही थी और कृष्ण को लेकर के बैलगाड़ी पर नीचे ले जाती। बोले क्यों? बोले कृष्ण को अभी स्नान कराया, देखना बच्चे को स्नान के बाद में नींद आती है। अभी मैया सोच रही हैं अभी ब्रज की गोपियाँ यहाँ पर आएगी, अभी को कुछ लेना देना, अभी लाला को देखो ना इनको देखो, इसलिए लाला की कच्चा नींद नहीं टूट जाए, कोई उत्सव व्याघात नहीं हो, उन्होंने बैलगाड़ी को नीचे कृष्ण को सुला दी। अब ब्रज की गोपियाँ बड़ी प्यारी प्यारी कृष्ण की बड़ी सुंदर सुंदर भजन गा रही थी। बोले जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, खिली तेरी पगड़ी रंग काला, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, जहाँ पर मेरे भक्त जन मेरी कीर्तन करते हैं मैं वही रहता हूँ। अभी कृष्ण की नींद खुल गई, कृष्ण देखा देखो मैं तो वैकुंठ को छोड़ कर के इसलिए आया हूँ यहाँ के रस लेने के लिए, देखो उत्सव मेरे लिए और कीर्तन भी मेरा सब कुछ मेरा है, लेकिन देखो मेरे को कहाँ से अलग लेटा दिया, कीर्तन से अलग कर दिया।
इसलिए भागवत में बताया नजत्र वैकुंठ कथा सुता भगा। ब्रह्मा जी प्रार्थना करते बोले प्रभु जहां तुम्हारी कथा नहीं, जहां तुम्हारी कीर्तन नहीं, जहां तुम्हारी जन्माष्टमी नहीं, जहां तुम्हारी राधाष्टमी नहीं, जहां पर गिरिराज की पूजा नहीं, कहते सुरेश लोक अभी नब्बई से प्रदान, वो ब्रह्म लोक क्यों नहीं हो, वो वैकुंठ लोक क्यों नहीं हो, वो स्वर्ग क्यों नहीं हो, मैं वहां जाना नहीं चाहता हूँ, मैं तो वही जाना चाहता हूँ जहाँ तुम्हारी कीर्तन कथा प्रवचन होना। जैसे यहाँ पर 7 दिन का उत्सव है नहीं, रोज ही प्रसाद, रोज ही कीर्तन, खुद नाचो गाओ, भक्ति जो भक्ति मार्ग है ना, बहुत सरल मार्ग है, बहुत नाचो गाओ और खाओ, नाचो गाओ और खाओ, खूब नाचना तो ठाकुर का कीर्तन में नाचो, खाओ तो ठाकुर का प्रसाद रख पाओ, और गाओ तो ठाकुर जी की कीर्तन ही का आनंद ही आनंद है। अभी कृष्ण सोच रहे हैं भैया मैं तो थोड़ा अपना भजन का आनंद लूं। अभी कृष्ण को उम्र कितना है बोलो, कितना? 3 साल की है, हाँ, तीन महीना की है। 3 महीना अभी कृष्ण, आज ही उसने करवट ली है। अभी कृष्ण सोच रहे हैं आ जाए, लेकिन अभी तो घुटन पर भी चलना नहीं आता है, प्रभु को आए कैसे? बच्चों का जो बल है रोना, बच्चे अगर रोए ना भैया मेरे गोद में ले लेती है। कृष्ण सोचा अगर मैं थोड़ी सी रो ना मैया मेरे को फिर गोद में ले जाएगी, कीर्तन के बीच में मैं भी थोड़ा कीर्तन का आनंद लूं। कृष्ण रोना शुरू कर दिया, लेकिन यहाँ तो गोपियां जोर जोर से कीर्तन गा रही थी, मजीरा ढोलकी बज रही थी, कृष्ण तो रो 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 करके थक गए, मैया की कान में पड़ी नहीं, क्योंकि मैया कुछ लेन देन में लगी हुई थी। कृष्ण सोच रहे मैया कितना रो, इतना तो रो ही लिया, अभी रो कितने। अभी कृष्ण की इच्छा जान करके उनकी जोग माया कंस को प्रेरणा दी, और कंस ने एक राक्षस को भेजा जिसका नाम शकटासुर। ये पहले जन्म में अभी शकटासुर आ गया बोले गोविंद जय जय गोपाल हरे कृष्ण, आवाज आ रही है? हरे हरे कृष्ण हरि बोल। बोले से वृंदावन बिहारी लाल की, आज पीछे आवाज आ रही है? ठीक है, जब तक लाइट नहीं आता है अभी तक सकड़ा सुर आ गया। हरे कृष्ण, इसलिए सबके सब हैं, कहते ये पूर्व जन्म में हिरण्याक्ष का बेटा उत्कच था। एक दिन उन्होंने रोमर से ऋषि को आश्रम में प्रवेश किया, और उनको जो सुंदर कृष्ण के लिए बाग थी वो बाग को उसने उजाड़ दी। संतों को बड़ा क्रोध आया, बोले इसलिए तो इतने मोटे छोटे बने ठाकुर जी की बाग को उजाड़ने के लिए, इतने अभिमान तुम्हारे शरीर में जा, तेरे शरीर ही नहीं रहेगा। इतना बोलते ही उसको धीरे 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 शरीर गायब होने लग गया, सारे नशा उतर गई। फिर ऋषि की चरण में गिर पड़े, मेरे को मुक्ति कैसे मिलेगी? बोले जाओ, यद्यपि कृष्ण संत लोग बड़े दयालु, बोले जाओ जब कृष्ण द्वापर युग में आएंगे उनकी चरण की ठोकर से तेरी उद्धार हो गया। अभी कंस उसको भेज दिया, बोले जाओ तुम कृष्ण को मार करके आओ। अभी वो आ गया, देखा कृष्ण कहाँ पर, देखा बैलगाड़ी को नीचे, कृष्ण बैलगाड़ी को नीचे लेटे हुए, और भी एक माई जी बोला, और एक माई जी इसलिए आवाज आ रही है, कहते बैलगाड़ी को नीचे लेटा हुआ कृष्ण, उसका तो शरीर थी नहीं, सोचा बैलगाड़ी में मैं सवार हो जाता हूँ, और दबाते दबाते नीचे तो कृष्ण लेटे हुए पूरा दब जाएगी। कृष्ण ऊपर देखा, बोले भैया मामा जी आ गए। बोले क्यों? कंस मामा लगते हैं, कंस मामा लगते हैं, कंस अभी उनकी जितने संबंधी भी सबके सब श्री मामा ही लगते हैं। बोले मामा जी आए कुछ व्यवस्था करेंगे। इतने में उन्होंने जब सवार हो गए, कृष्ण केवल 3 साल के, यहाँ दिखाते हैं कृष्ण की चरण में की ठोकर में कितने ताकत है। अभी आप लोगों ने देखा कृष्ण के होठ में कितने शक्ति है। कृष्ण जब 6 दिन की, उतना जैसे राक्षस को उन्होंने मार डाला। अभी कृष्ण 3 महीना के, उन्होंने प्यार हिला दिलाते
ऐसे ठोकर मारी बैलगाड़ी में, गाड़ी एकदम पलट गई। जितने दूध दही मक्खन सब के सब इधर उधर बिखर गया। ब्रजवासी बोले, भैया ये आंधी तूफान है नहीं, ये पलटी तो पलटी कैसे। जितने गोपियां कीर्तन कर रही थी ना, सारी गोपियां इकट्ठी हो गई। लेकिन कृष्ण का सखाओं ने देखा था, वो कृष्ण के चरण की ठोकर से ही पलटा। इतने में सखाओं ने बोले, मैया मैया हम बोलेंगे गाड़ी गाड़ी कैसे पलट गई। बोले कैसे, बोले कन्या के चरण की ठोकर से। मैया बोली, लगता है ज्यादा भांग की गोला खा लिए, मेरे लाला अभी 3 महीना की और इनकी चरण की ठोकर से गाड़ी पलट गई। लेकिन ये बात मैया को विश्वास नहीं हुई। अरे मैया ने कन्या को वहां से उठा करके ले गए और कीर्तन को बीच में लटा दी और गोपियां कीर्तन करने लग गई। बोले मत रो काना हुआ हुआ, मत रो काना हुआ हुआ। अगर मेरे को पहले से ले आता, नटखट थोड़ी मैं करता। अभी खुश हो गए। देखो इसमें भगवान शिक्षा क्या देते हैं, ठाकुर जी शिक्षा देते हैं। अगर हम अपना घर में कोई उत्सव करें, ठाकुर जी को ले गए, ऐसे उत्सव हो रही है, ठाकुर जी को अलग लेटा दिया, मतलब ठाकुर जी को क्या किया, उत्सव से तुमने अलग कर दी। भगवान कहते अगर मेरे को कहीं अलग करोगे ना, मेरे कहीं से ठोकर मारूंगा, सब सत्यानाश कर दूंगा, सब तुम्हारी सत्यानाश कर दूंगा। इसलिए जो कुछ कर मेरे को ले करके करो, मेरे को छोड़ करके नहीं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं जानते हो, उनको ही छोड़ कर करते हैं। घर में बच्चे का बर्थडे, शादी हो रही है, ठाकुर जी के लिए कुछ कहते हैं, सब नया नया साड़ी पहनेंगे, बच्चे के लिए नए नए कुर्ता जामा लाएंगे। लेकिन ठाकुर जी है ना, आप देखना ठाकुर जी 1 महीना से एक कपड़ा पहन कर बैठे, नहीं तो 15 दिन से। लेकिन हम 3 में 3 बार अपना ड्रेस बदला दे। लेकिन जिसने हमें सब कुछ दिया, जिसका सब कुछ है, लेकिन उसी के लिए हम नहीं करते, सारा दुनिया के लिए करते हैं। उल्टा पुल्टा चीज शादी शुदा में उल्टा पुल्टा चीज बनाएंगे, सारी यार दोस्तों को शराब पिलाएंगे, मांस खिलाएंगे, पता नहीं उल्टा पुल्टा काम करेंगे। लेकिन ठाकुर जी जैसे तैसे बैठेंगे, उसके लिए कुछ नहीं। जिसने तुम्हें सब कुछ दिया, जिसका सब कुछ है, वो तो बैठा हुआ चुपचाप, और हम क्या कर रहे हैं, सारा दुनिया को खिलाओ पिलाओ सबको सेवा करो। लेकिन जिसने दिया उसके लिए कुछ नहीं। ठाकुर जी का ऐसे ठोकर मारूंगा तुमको, सारे तुम्हारे सत्यानाश कर दूंगा, इसलिए क्यों मेरे को कहीं अलग मत किया करो, ठीक है ना। जैसे बच्चे का बर्थडे हो, नहीं जो कहीं अगर हम अपना लिए साड़ी लाते हैं, पहले अपना लिए मत लाया करो, पहले देखो ठाकुर जी के लिए है कि नहीं। अपना लिए मत देखो, बच्चे को मत देखो। ये दुनिया में ना आप किसी को भी खुश नहीं कर सकते हो, जिसके लिए जितने करोगे उसके लिए उतना ही दुख मिलेगा। लेकिन भगवान के लिए ऐसे नहीं। भगवान की अंगुली कट गई, द्रौपदी थोड़ा बैंडेज कर दी, साड़ी फाड़ कर गई। ठाकुर जी सोच रहे हैं कब मेरे को मौका मिले, इसकी रेडी कब मिलता, इसकी रेडी कब उतार। उसने अपना साड़ी फाड़ करके मेरे हाथ को बैंडेज कर दी। इसलिए भगवान सोच रहे हैं, जब भरी सभा में लाज जा रही थी, ठाकुर जी स्वयं वस्त्र रूप में प्रकट हुए और इतने वस्त्र बने, 10,000 हाथी का ताकत खत्म हो गई, लेकिन 10 गज साड़ी खत्म नहीं हुआ। ठीक है ना, क्या करोगे। घर में कोई उत्सव हो, पहले देखोगे ठाकुर जी के लिए कोई कपड़ा है कि नहीं, हमने ठाकुर जी के लिए कुछ भोग लगाया कि नहीं, ठीक है ना। पहले ठाकुर जी और उसको बाद में फिर अपना चीज को देखना। देखो हमारे श्री टीकाकार लोग कहते हैं, ऊपर को तो मता जाए, माता जी ऊपर रखो, ठाकुर को भोग लगे, ऊपर रख दो, ठाकुर जी को भोग लगे, जो लाए ठाकुर जी को भोग लगे चाहिए, तब गिरिराज तो तब तो इच्छा पूरी करेंगे। ठीक है, बैठ जाओ, बैठ जाओ माता जी, हरे कृष्ण। हाँ देखो एक चीज को समझो, ये उदाहरण देते हैं,
जैसे आप अपना शरीर को श्रृंगार करो बड़ी सुंदर से, आप शीशा को सामने खड़े हो जाओ, देखना ये शरीर को जैसे श्रृंगार करोगे ना, वो परछाई को श्रृंगार करने का जरूरत नहीं, परछाई अपने आप सज जाती है। जैसे श्रृंगार करोगे वैसे तो दिखोगे ना परछाई से, कहते उसी तरह मूल कौन है? ठाकुर जी। जब हम ठाकुर जी को बढ़िया से खाना खिलाओ, ठाकुर जी को बड़ी सुंदर श्रृंगार करो, देखना तुम अपने आप सज जाओ, अपने आप तुम सज जाओ। कृष्ण जितने सुखी रहेंगे ना घर में, ठाकुर जी को जितने आप स्वयं करके देख लेना, ठाकुर को जितने अच्छे सजाओगे, ठाकुर को अच्छे जितने खिलाओगे, अगर ठाकुर जी संतुष्ट हो जाए ना, हैं, अपनी घर में शांति सुख अपने आप आ जाएगा। क्यों? ठाकुर जी देखेंगे, देखो मेरे लिए वो कितने करता है। पर ठाकुर जी कहते हैं ना, मेरे तरफ में एक कदम बढ़ाओ मैं तुम्हारी तरफ में 10 कदम बढ़ाऊंगा, ठीक है ना। इसलिए रोज ठाकुर को स्नान कराओ, ठाकुर जी का कपड़ा पहनाओ, ठाकुर का श्रृंगार कराओ, देखना अपने आप घर में खुशहाली रहेगी। इसलिए अभी कृष्ण और बड़े हो गए, बोले कितने बड़े हो गए, अब देखना कृष्ण आज तक करवट लिए, करवट लेने के बाद देखना बच्चा बड़ा चंचल होता है, अपना जैसे सांप घिसड़ घिसड़ कर चलता है ना, बच्चे ही पेट के सहारा से चलते हैं, और कन्हैया तो वैसे ही नटखट है, हैं, वो तो वैसे ही नटखट है। पहले हर घर में दहली हुआ करता था, दहली जानती हो, चौकट जानती हो, जो बड़े बड़े लोग जानते हैं, अभी तो सब खत्म हो गए, हैं। अभी नंद बाबा राजा का घर है और इतनी ऊंची ऊंची दहली चौकट थी। अभी कृष्ण सोच रहे हैं ये मैं घर से बाहर निकलना चाहता हूँ। अभी कृष्ण पेट के सहारा से घिसड़ घिसड़ करके चौकटों के ऊपर में आ गए। जब आ गए ना, आधा शरीर तो बाहर और आधा शरीर भीतर है। इतने में कृष्ण एकदम चौकटों ऊपर लटक गए। जब लटक गए कृष्ण बाहर भी नहीं जा पा रहे, कृष्ण अंदर भी नहीं बाहर पा रहे, हैं, और लटक करके कृष्ण रो रहे। ठीक उसी समय में लोमहर ऋषि और श्री नारद जी आए प्रभु का दर्शन करने के लिए। प्रभु क्या लीला कर रहे हैं, इतने में देखा प्रभु लटक रहे हैं, लटकत भगवान, और भगवान रो रहे हैं। ये लीला देख करके नारद जी तो बड़ी जोर से ठाल लगा कर हा 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 कर हंसने लगे। फिर थोड़ी देर बाद में नारद जी रोना शुरू कर दी। लोमर से बोले प्रभु पहले तो हंसे, अभी रो रहे हैं क्यों? बोले देखो इसलिए मैं हंस रहा हूँ, भक्तों का सौभाग्य को देख देख करके जिनके नाम लेने से जीव भव सागर से पार हो जाते हैं, क्या ठाकुर जी चौकट के बाहर नहीं हो सकते? हो सकते थे, लेकिन क्यों लटक करके रो रहे हैं? भक्तों को कृपा करने के लिए। भक्त यही लीला को याद करते करते उसी लीला में डूब जाते हैं, इसलिए भक्तों का सौभाग्य को देख करके मैं हंस रहा हूँ। बोले रो रहे थे क्यों? बोले ज्ञानियों का दुर्भाग्य को सोच सोच करके। जो ज्ञानी होते हैं वो कहते भगवान निराकार निर्विशेष, उनका रूप नहीं, गुण नहीं, लीला नहीं, इसलिए प्रभु की ये लीलाओं को वो सोचते याद नहीं कर रहे। इसलिए मैं इनकी दुर्भाग्य को सोच सोच कर मैं रो रहा हूँ। अभी कृष्ण धीरे 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 कृष्ण बड़े हो रहे। कृष्ण जितने बड़े होते हैं ना, अब देखना बच्चा जितने बड़ा होता उतना चंचल होता है। इसलिए मैया को है, अभी कृष्ण बलराम दोनों धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, और दो बेटे हैं। केवल बलदेव प्रभु कृष्ण से केवल 15 दिन केवल वो बड़े, केवल श्री 15 दिन ये बड़े हैं, ज्यादा नहीं है। अगर घर में दो बच्चे हो, एक बच्चे को देखना माताएं संभालने के लिए कितना कठिन होता है। अगर घर में दो बच्चे अगर हो जाए तो इतने नटखट कृष्ण बलदेव प्रभु थे। रोहिणी अगर कृष्ण बलराम को देखे, फिर मैया घर की काम करती जसोदा, फिर जसोदा अगर दोनों बच्चे को देखे ना, फिर तो श्री रोहिणी घर की कामकाज श्री रोहिणी मैया करती थी। बोल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। परिवार हाथ उठा कर बोल, बोल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण। अभी कृष्ण बलराम बड़े नटखट है, बड़े नटखट कृष्ण बलराम। अभी इनकी कोई नामकरण नहीं हुई,
जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, मुंह में जो निकलता है वही बोलते हैं, टिल्लू पिल्लू टिक्की फिक्की जो मुंह में निकलता है बच्चों को वैसे बुलाते रहते हैं। अभी श्री नंद बाबा सोच रहे हैं लाला का कोई नामकरण हो जाए, लेकिन उधर श्री वसुदेव महाराज सोच रहे हैं कृष्ण किसके हैं, कृष्ण कृष्ण मेरे बच्चे हैं। लेकिन ये नंद बाबा को पता नहीं मैंने राता रात मार रख करके आ गए, ये तो सोच रहे लाला मेरे है। अभी एक लाला को दोनों ही सोच रहे हैं मेरे लाला, लेकिन ये दोनों का ही लाला है, ये दोनों का ही लाला है। अभी श्री गर्गाचार्य को एक दिन श्री वसुदेव महाराज बुलाए, बोले हे गर्गाचार्य जी आप तो त्रिकाल दृष्टा है, आप तो सब कुछ जानते हो, ये कृष्ण मेरे लाला है, लेकिन नंद बाबा सोच रहे हैं लाला मेरो है, आप एक बार गोकुल में जाओ और मेरे लाला का एक नाम करने करके आओ। बोले उनको क्यों भेजे, बोले कारण है देखो, पहले जो बच्चे का नामकरण करते थे ऐसे नहीं मुंह में जो कुछ निकले टुल्लू बुल्लू टिंकी फिंकी ऐसे नाम नहीं रखा करते थे, पहले नाम रखते थे ठाकुर जी का, तो कोई नाम रखते थे ठाकुर जी की कोई नाम, इसलिए भागवत में अजामिल की कथा गया, उसने सबसे छोटा बेटा का नाम उसने नारायण रख लिया था। और अंतिम समय में जमदूत जब लेने के लिए आए, इतने में उसके मुंह से उसको बेटा का नाम कैसे नारायण निकल गया, और नारायण निकला तो एक तरफ में जमदूत और एक तरफ में विष्णुदूत, दोनों एक साथ में आए, घमासान दोनों में लड़ाई हुई, विष्णुदूत कहते हम ले जाएंगे और जमदूत कहते हम ले जाएंगे। इतने में श्री विष्णुदूत कहते हैं जमदूतों को, बोले भैया कैसे ले जाओगे तुम लोग, बोले आपको पता है, देखो ध्यान देकर सुनो माता है, कहते आपको पता है ये क्या किया, ये घर ब्राह्मण घर में जन्म हुआ, घर में पत्नी ब्राह्मणी थी, लेकिन उसने अपना ब्राह्मणी को त्याग दी और एक शूद्राणी को साथ में रहे, उसको हाथ में अमेध्य कुमेर दिखाया और ऐसे कोई पाप नहीं जो ये पाप को नहीं किया, सारे कुकृति उसने की, सीधा नरक जाएगी। इतने में विष्णुदूत कहते भैया कुछ पुण्य भी तो किया, बोले क्या पुण्य किया, बोले अंतिम समय में जो ठाकुर का नाम लिया, बोले बाप जिंदगी भर पाप करो, मरते मरने से पहले एक बार राम का नाम लो हो जाएगा, इतने में हो जाएगी। तब श्री विष्णुदूत कहते बोले मूर्खों तुम्हें भगवान नाम की क्या महिमा तुम्हें पता, वो उदाहरण देते हैं जैसे भूस का एक ढेर हो, नहीं तो रुई का एक ढेर हो, देखना आग की एक चिंगारी अगर उसमें पड़ जाए ना सब जला करके राख कर देता है, लेकिन ठाकुर जी का नाम तो हरि से बड़ा हरि का नाम है, हरि से बड़ा हरि का नाम है। जब उसने अपना बेटा का नाम नारायण रख लिया था, देखो क्यों बच्चों का नाम ठाकुर के नाम पर धरा है, जब उसने बेटा का नाम नारायण रखा था उसका सारे पाप खत्म हो गया था, और सबसे छोटा बेटा था, देखना सबसे छोटा बेटा सबसे प्यारा होता है, वो बारंबार बुलाते थे बोले बेटा नारायण मेरे गोद में आ जा बेटा, बोले बेटा नारायण मेरे लिए पानी ले आ, बेटा नारायण तू कहाँ हो इधर आ जा बेटा नारायण, जैसे माला जप करते हैं ना हरे कृष्ण इसको ये हो गया माला जपना हो गया, दिन भर नारायण नारायण बोलता। लेकिन जब अंतिम समय में उन्होंने जो ठाकुर जी का जो नाम लिया है बस इससे ही कल्याण हो गया। फिर जब दूध देते हैं बोले ठाकुर का नाम कब लिया, वो तो ठाकुर को नहीं बुलाया, वो तो बेटे को बुलाया ना, किसको बुलाया था बेटे को बुलाया, ठाकुर को बुलाया नहीं। तब विष्णु दूत कहते हैं ठाकुर जी का जो नाम है ना चार ही तरह से ठाकुर जी का नाम कल्याण करते हैं, बोले कैसे कैसे, बोले सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलने नवे वा। सांकेत्यम का मतलब होता है अगर आपने इशारा करके, जैसे कृष्ण बेटा का नाम राम रख लिया, कन्हैया रख लिया, गोविंद रख लिया, उसको बारंबार तुम बुलाते हो कृष्ण गोविंद राम आओ, इसको संकेत कहते हैं, इसको संकेत कहते हैं, इसी में भी कल्याण होता है, इसमें भी कल्याण होता है। इसलिए देखना पहले पहले जितने बच्चों का नाम देखो, जितने बड़े बूढ़ों का नाम पूछ लो, जितने बड़ी बूढ़ी माताओं का नाम पूछ लो, नाम पूछ लो सबका, सीता गीता है लक्ष्मी राधिका ललिता विशाखा सब देखो माताओं,
और जितने पुरुष लोग का नाम देखो, कृष्ण, गोविंद, राम, सब ऐसे नाम। अभी बच्चों का नाम पूछो, टिंकी, फिंकी, टुल्लू, बुल्लू, रिंकी, सब विदेश में ना सब कुत्तों का नाम करवाते। हम विदेश में जाते हैं, सब कुत्तों का नाम है, हैं? कहते भैया कुत्तों का नाम बच्चों का नहीं धरवानी चाहिए, धरवानी चाहिए ठाकुर जी का नाम धराओ। कम से कम बच्चे की छलना से कम तुम्हारी मुंह से ठाकुर का नाम तो निकल जाएगी। और जिस बच्चे को जितने बार बुलाओगे ठाकुर का नाम पर, उसकी कानों में उतना बार ठाकुर का नाम पड़ेगा, उसको कानों में तुम्हारी जीवा पवित्र होगा। जिस घर में ठाकुर जी के नाम बारंबार गूंजेगा, उनकी कल्याण, घर का भी कल्याण। कहते ना मंगल भवन अमंगल है। ये बच्चे किसके बच्चे हैं? ये बच्चे को बाहर भेज दो, नहीं तो आपको सुनने नहीं देगा, वो सुनेगा भी नहीं, इसलिए उसको बाहर भेज दो। बोले बाहर खेले फिर तो जब प्रसाद होगा गए। हरे कृष्ण। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए कहते ठाकुर जी का नाम, अगर किसी तरह से ठाकुर जी का नाम उच्चारण हो तो उसकी कल्याण हो जाता है। इसलिए श्री, और पहले जब नाम धराया करते थे ना, ऐसे नहीं, बच्चा कौन होता है जो हमारे खानदान को, हमारा परंपरा को, कुल की मर्यादा को जो रक्षा करता है ना, बेटा। हम कहते ना बेटा ऐसे कोई काम नहीं करना जिसमें पिता माता की कोई निंदा हो, पिता माता के ऊपर कोई अंगुल उठाए, ये तो बच्चे को रक्षा करता है। इसलिए पहले जब नाम दिया करते थे, जैसे देखो भगवान ने नाम, आप बताओ राम जी का पिताजी का नाम क्या था? कौन बोले था आपने? क्या नाम था? दशरथ। पहले जब नाम रखते थे, उसका पिता और उसका पिता, ये दोनों को नाम एक नाम में आने चाहिए। इसलिए राम का पिता नाम था क्या? दशरथ है। इसलिए जो राम जो पहला अक्षर है दशरथ, हरे कृष्ण, कहते दशरथ, ये जो रा अक्षर उन्होंने दशरथ लिया। कि दशरथ महाराज का जो पिताजी थे पता है, कहते उनका नाम आज, आज से ये आ अक्षर लिया, फिर उन्होंने वह रा और म, रा और म। फिर कहते कृष्ण, कहते कृष्ण का पिताजी का नाम क्या है? कहते नंद। नाम क्या है? नंद। इसलिए कृष्ण स्ना में जो ना अक्षर उन्होंने नंद से उन्होंने ना अक्षर लिया। बोले उनको जो पिताजी का नाम था, बोले परजन्ना। नाम क्या था? परजन्ना। इसलिए क्री, क्री में जो री है मात्रा, उन्होंने परजन्न बाबा से लिया। इसलिए पहले जब नाम रखते थे, उसकी पिता और उसकी पिता, ये दोनों का नाम एक नाम में आने चाहिए, नियम। अगर ये नहीं हो फिर तो जो ज्योतिष को पास में जाओ, पहला अक्षर ऊपर निकालो, वो पहले अक्षर रख करके कोई ठाकुर जी का नाम रखवाओ, भगवान का नाम रखाओ। कम से कम बच्चे की छलरा से मुंह से ठाकुर जी की नाम निकल जाए। एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरी बार जोर करके बोलो, आप बोलो मैं सुनूंगा जोर से। इसलिए उन्होंने गर्गाचार्य को भेज दिए। गर्गाचार्य बोले अहो भाग्य है, ठाकुर जी का नामकरण करवाएंगे, ठाकुर जी को फिर गोद में लेंगे, कृष्ण की नन्हे नन्हे चरण है, कोमल कमल हाथ है, बच्चों का कितने सुंदर हाथ, कितना नन्हे नन्हे, कितने कोमल होता है, ठाकुर जी को मैं गोद में लूंगा। देखना बच्चा जिस समय ना बैठना नहीं सिखाए, दाढ़ी पकड़ेगा, कपड़ा पकड़ नोचेगा, हैं? और ठाकुर जी को गोद में लेना कोई साधारण भाग्य नहीं, जिनको पाने के लिए ब्रह्मा शंभु अमरपति गणेशार्चित पद, जिनको पाने के लिए बड़े बड़े ऋषि ब्रह्मा शंकर भी कितने ध्यान धरते हैं, आज वो प्रभु को मैं गोद मिलूंगा और ठाकुर जी का नाम करना करूंगा। बड़ी प्रसन्न होकर श्री नंद बाबा का घर में आए, और नंद बाबा जब गर्गाचार्य को देखे संत आए, बोले भैया मेरे घर तो धन्य हो गया। वो कहते हैं महत विचर नाम, नाम गृह नाम दीन चतसाम,
जब तक घर में कोई शुद्ध साधु नहीं आए, उनके चरण धूल नहीं पड़े, घर में हरि कीर्तन नहीं हो, वो कहते घर पवित्र नहीं होता है। घर तभी पवित्र हो जब घर में संतों की चरण धूल और घर में हरि कीर्तन सत्संग हो। जिस घर में सत्संग ठाकुर का कीर्तन भक्त आए वो घर नहीं कभी घर भगवान की धाम हो जाते। बोले मेरे अहो भाग्य है, मेरे घर में आज संत आए तो उनको बैठा है, चरण धोए, चरणामृत लिया। और श्री नंद बाबा खुद बोल पड़े, बोले जब आप कृपा करके आए हो मेरे बच्चों का थोड़ा नामकरण करवा दो, वो तो इसलिए आए। बोले ठीक है, दोनों बच्चों को ले आओ, कृष्ण बलराम को ले आए। श्री गंगाचार्य जी ध्यान लगाए, पहले बड़ा बेटा का नाम हो, बोले अयम ही रोहिणी पुत्र रमयन श्रोहित गुणई। बोले ये जो रोहिणी का जो बेटा है हैं, ये सबको आनंद देगा, हैं सबको वो आनंद देगा। बोले बलाधिक्या तो बलम दिलो, इनका नाम होगा बलराम। बल माने शक्ति, बड़ा ताकतवान होगा, बड़े ताकतवान होगा, पहलवान होगा, बड़ा बल होगा। और राम मतलब होता है सबको ये आनंद प्रदान करेगा, इसलिए इनका नाम होगा बल राम। बल श्री ताऊ भैया की जय। जयकर जोर से बल श्री ताऊ भैया की जय। उनका एक नाम रखा संगर्भण। बोले क्यों, ये पहले तो देवती गर्भ में आए और जोग माया इनको आकर्षण करके रोहिणी गर्भ में स्थापन की। कभी अगर जद्दू वंश में, गोप वंश में अगर कभी झगड़ा होना, ये ऐसे के बच्चा होगा दोनों वंशों को एक करके रखेगा, झगड़ा होने नहीं देगा। अभी कन्या का नामकरण करेंगे, इन्होंने आंख बंद की, आंख बंद किया तो आंख ही बंद ही हो गया, खुल नहीं रहा था। बोले क्यों, वो जब आंख बंद किया ये बच्चा कौन है, देखा अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का जो मालिक है। अगर किसको एक दो चार नाम हो ना, फिर तो कोई नाम रख लो, ये दुनिया में जितने नाम सब कृष्ण का नाम है, कृष्ण का सब नाम। इसलिए हमारे संप्रदाय में एक संत और ये भक्त विनोद ठाकुर बड़ा सुंदर भजन लिखे, केवल ठाकुर का नाम को दे दे करके। बोले हरि नाम तो अनेक स्वरूप Yeah.
ऐसा सोच रहे हैं कितना हरि अनंत हरि हरि कथा अनंत है। अभी इनकी अनंत नाम भैया कौन सा नाम रखो, अभी चक्कर में पड़ गए और उन्होंने उनका अंदर में विश्व ब्रह्मांड को उन्होंने दर्शन किया। बोले भैया नाम रखू तो कौन सा नाम रखू। इतने में श्री नंद बाबा ने देखा गर्गाचार्य आंख बंद किया तो पूरी ही आंख बंद करके खोल नहीं रहे। इतने में हाथ को पकड़ करके हिलाए, बोले बाबा बोलो ना लाला को नाम क्या होएगा। तो उन्होंने एक सुंदर नाम रखते है, बोले आसन वर्णास्त्र जस्य गृह्णात अनुजुगम तनु शुक्ल तथा पीत इदानी कृष्णताम गत। बोले देखो तुम्हारी ही जो लाला है ना केवल एक जन्म नहीं हर जन्म जन्म में अवतार लेता है, इसलिए बोले जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुतानम धर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्। ऐसे कोई अवतार नहीं, ऐसे कोई युग नहीं जिस युग में तेरे लाला जन्म नहीं लिया। जब सत्य युग में तेरे लाला शुक्ल वर्ण धारण करके आया था, त्रेता युग में रक्त वर्ण धारण करके, और जब कलि युग आएगा कहते श्री नवद्वीप में श्री सचिनंदन गौर हरि श्री चैतन्य महाप्रभु का रूप में आएंगे। लेकिन अभी तुम्हारी लाला ये कृष्ण वर्ण लेकर के आए, इसलिए इसका नाम कृष्ण नाम होगा। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, इसलिए कृष्ण नाम क्यों रखे। बोले कृष्ण की जितने नाम है ना सबसे प्यारा नाम ये कृष्ण नाम है। कृष्ण मतलब क्या है, बोले क्री मतलब होता है खींचना आकर्षण करना, असना मतलब होता है आनंद देना, मतलब ये सब जीव को आकर्षण करेगा, सबको ये आनंद प्रदान करेगा ये तुम्हारी लाला। और कृष्ण मतलब होता है काला, कृष्ण मतलब होता है काला, काला मतलब कोलतार जैसे। बोले नहीं ऐसे नहीं, इसलिए इनका स्वरूप को बताया नव जलधर घनश्याम। जैसे आकाश में काला मेघ छा जाए ना, जैसे आकाश में काला मेघ छा जाए, देखना वो कोलतार जैसे नहीं, बड़ा सुंदर अभ्र बपुसे है, एकदम सुंदर एकदम चमचमात हुए दिखता है। उसी तरह भगवान का जो स्वरूप काला मतलब कभी मेघ कब होता है, पानी जब इकट्ठा हो जाता है मेघ होता है। पानी का एक नाम होता है कृपा, पानी का एक नाम होता है कृपा, मतलब कृष्ण कौन है जब कृपा घनीभूत हो जाए। इसलिए बताए हे कृष्ण करुणा सिंधु, कृष्ण कौन है करुणा के समुद्र, भगवान बड़े दयालु है, इसलिए वो काले हैं, मतलब कृपा जब इकट्ठ हो जाए ना तब ये काले होते हैं। इसलिए और बहुत सारे रंग आप मिला और उसमें थोड़ा काला रंग मिला तो देखना सारे रंग को अपना लेना, इसका मतलब क्या है, अगर एक बार काला रंग में रंग जाओ ना बोले भैया चढ़ना दूजे रंग। देखो आप लोगों को अगर थोड़ा थोड़ा रंग लग गया, इसलिए घर बार छोड़ छाड़ करके बास कहाँ सत्संग कहीं कथा कहीं कीर्तन में पागली होकर घूम रहे हो, हैं पागली में होकर घूम रहे हो। इसलिए हमारे संप्रदाय में एक संत बताए, बोले भैया खबरदार वृंदावन में मत जाया करो भूल से भी। बोले भैया हम तो वृंदावन में खड़े ही। बोले खड़े हो, गलती कर दिया वृंदावन में पहुंच ही गए। बोले भैया याद रखो अगर वृंदावन में पहुंच गए ना वहां पर एक कैसी तीर्थ घाट है, बोले वहां पर तो प्यार नहीं पड़नी चाहिए। बोले भैया वहीं पर तो मैं स्नान कर रहा हूँ। बोले भैया गड़बड़ी कर दिया। बोले अगर तुम भूल से वहां पर चले गए ना वहां पर जो बांके बिहारी मंदिर वहां तो प्यार रखनी नहीं चाहिए। बोले भैया ऑलरेडी तो उसी मंदिर में हम खड़े। बोले हे भगवान सर्वनाश हो गया। बोले क्यों, आप देखना आप बांके बिहारी देखे हो, कौन कौन बांके बिहारी देखे आप देखना वहां बारंबार पर्दा लगता है देखो। बोले क्यों कारण किया। बोले बांके बिहारी के देख चटा देख चटा मेरो मन के गयो लगता हे बांके बिहारी के देख चटा देख चटा मेरो मन के गयो लगता पता भैया। एक बार उसको देखोगे ना देखना खबरदार उनका जो मीठी मीठी हंसी में फंसना नहीं, वो ऊपर मीठी मीठी हंसते हैं लेकिन अंदर से चाकू चलाते हैं। मतलब क्या, एक बार अगर उनका हंसना देख लिया भैया फिर तो दुनिया में और किसको प्रेम करना इच्छा नहीं करेगा हैं। देखो उनकी जो तिरछी चितवन नहीं वो तीर है,
एक बार अगर दिल में लग गया ना, इस पार से उस पार हो जाएगा फिर, हैं? इसलिए देखो उनका सर पर मयूर पंख है, खबरदार उसमें विश्वास नहीं करना, उस पर खबरदार विश्वास नहीं करना फिर। इसलिए वो संत कहते हैं अगर पत्नी अगर ये रूप को देखेगा ना, वो पति को भूल जाएगा। अगर पति अगर वो रूप का देखे पत्नी को भूल जाएगा। अगर बेटा देखे तो पिता माता को भूल जाएगा, पिता माता देखे तो बेटे को भूल जाएगी। इसलिए वो रूप के एक बार देख करके भैया नहीं फिर कहीं वृंदावन, कोई वृंदावन छोड़कर घर में नहीं आते हैं। इसलिए राधे राधे बोल और वृंदावन में डूब गए, अरे पागल भी होकर घूमते रहोगे। इसलिए यहाँ पर कहते हैं उनका नाम क्या होगा, बोले कृष्ण नाम क्या होगा, बोले कृष्ण नाम होगा। मतलब सबको जो अपना तरफ में आकर्षण करते हैं। कृष्ण का एक मतलब होता है सुंदर, कृष्ण का मतलब जो बड़ी सुंदर है कन्हैया। इसलिए उन्होंने कृष्ण नाम रख दिए। बोले देखो नंद, तुम्हारी ये जो बेटा है ना, ये हर युग युग में आता है, इनके अनंत नाम अनंत रूप जिसका भेद भी जिनका कोई अंत नहीं पाता है। इन्होंने बड़ी बड़ी बात बता रहे थे, लेकिन वहां पर मैया जसोदा भी बैठी हुई थी। बोले ये ज्योतिष कोई काम की बात बताए नहीं, यही था पहले था ऐसे था ऐसे, हमारे क्या मतलब है, अरे हमारी बात की हमारे काम का बात तो बताओ। बोले भैया माताओं का काम का बात की आप जानते हो, हर माताएं ये सोचती हैं लाला जल्दी से जल्दी बड़ा हो जाए और शादी हो जाए, घर में बहू आ जाए। क्योंकि घर में जब तक बहू नहीं आती है ना, तब तक माताओं को काम करना पड़ती है। अगर बहू आ जाए ना बस, फिर तो बैठ करके घी की चुगड़ी चुगड़ी रोटी परठा बड़ी बड़ी खाते हैं। इसलिए अभी मैया जसोदा सोच रही है, भैया ये तो कोई काम की बात बता ही नहीं रहे, अरे बताओ ना लाला की कितने बहू होएगी, कैसे शादी होएगी, कब होएगी, ये बात तो बताओ। मैया तो बड़ी भोली भाली थी, संस्कृत तो समझती नहीं। देखो एक श्लोक का दो अर्थ होता है। वो कह रहे हैं बोले बहुनी संति नामानी, वो कह रहे हैं तुम्हारे जो बेटा है ना, इसकी बहुत नाम रूप गुण होगा। लेकिन मैया ना अपना मन मन में अर्थ लगा रहे थे, बोले बहुनी संति नामानी। मैया सोच रही है, ज्योतिषी ये बता रहे हैं मेरे लाला की बहुत सारी बहुएं होंगी। भैया तो खुश हो गए, अच्छी बात, जितना बहुएं होगी सांस की तब उतना सेवा करेगी। देखो कृष्ण जब वृंदावन में थे, एक तो राधा थी, कितना थी, एक राधा रानी, फिर उसको बाद में ललिता विशाखा चंपकलता तुंग विद्या चित्रा सुचित्रा रंगदेवी सुदेवी हैं। और कृष्ण जब रास करते हैं ना, 100 करोड़ गोपियों को साथ में भगवान ने, 100 करोड़ गोपियों को साथ में प्रभु ने रास रचा। कृष्ण जब द्वारका में जाते हैं, 16108 पटरानियों को साथ में भगवान शादी करते हैं। इसलिए बोले रूपाणी च गुणानी च, बोले इनका रूप भी अलग अलग होगा, कोई गोरी होगी कोई काली होगी कोई सावर्ण वर्ण होगी। इसलिए जो काली थी वो काली, काली थी वो काली रंग की श्यामा रंग की थी, और राधा रानी गोरी रंग की थी हैं, और बीच में बीच का रंग थी। बोले कोई बात नहीं, बहू होनी चाहिए, जितने बहू होगा उतना सास की सेवा करेगी। मैया जसोदा तो खुश हो गए, बोले ज्योतिषी अभी काम की बात बताए हैं, काम की बात अभी बताए, बड़े खुश हो गए। खुश होकर के देखो नियम है, अगर घर में ज्योतिषी आए ब्राह्मण आए उनको दक्षिणा देनी चाहिए, क्योंकि बगैर दक्षिणा के ना वो काम तुम्हारी पूरी नहीं होता है। उन्होंने खूब प्रसन्न होकर के सोने चांदी हीरे जवाहरातों से उनकी झोली को भर दिए और उनको चरण में लाला को ले जाती। बोले लाला को आशीर्वाद दो, गर्गाचार्य जी ऊपर ऊपर से उन्होंने आशीर्वाद दिए और प्रसन्न होकर के चले गए। बोले श्री कृष्ण के नैया लाल की जय, बोले श्री नंद के लाला की जय, जय श्री राधे। जब ज्योतिष चले गए, अभी ब्रज के जितने बड़ी बूढ़ी थी मैया जसोदा को प्रश्न करते हैं, बोले मैया ये बताओ ये ज्योतिष ने लाला का नाम क्या रखा है। बोले बड़ा बेटा का नाम रखा बलराम और छोटा बेटा का नाम रखा कृष्ण। बोले भैया नाम तो बड़े अच्छे हैं, बड़ा सुंदर नाम रखो, लेकिन ये नाम थोड़ा बड़ा और कृष्ण नाम तो बड़ी टेढ़ा है। देखना कृष्ण तीन जगह से टेढ़े है ना, कृष्ण तीन जगह से टेढ़े, देखना कृष्ण नाम भी तीन जगह से टेढ़े। आप देखना
कृष्ण नाम उच्चारण करो, जब तक ये जीवा तीन जगह से टेढ़ी नहीं हो जाए तब तक ये नाम ही नहीं निकलेगा। इसलिए एक भक्त ने बड़ा सुंदर एक भजन गाए, बोले तो टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया, तो टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया, तो और कन्हैया कृष्ण का नाम कन्हुआ और एक का नाम बलुआ, कन्हुआ और बलुआ ये दोनों नाम अपना प्यारा नाम रहेगा। अब अपना घर में कन्हुआ और बलुआ नाम रखेगी, बोले श्री कन्हुआ बलुआ की जय। अभी कृष्ण और धीरे धीरे बड़े हुए, जब धीरे धीरे बड़े हुए एक दिन मैया जसोदा कृष्ण को लेकर के, जिसे आप देखना माता है बच्चों को कभी ऐसे ऊपर उछालती उछालती है ना उछालती, जब मैया जसोदा थोड़ी सी उछाल रही थी कृष्ण सोच रहे हैं, बोले ये क्या कर रही है, ये थोड़ी सी मेरे को उछाल रही है, मैं तो चाहता हूँ थोड़ी सी आकाश में उड़ जाऊँ, कोई एरोप्लेन आ जाए बैठ करके मैं थोड़ा सहर कर लूँ, क्योंकि जब थोड़ी सी बड़ा होऊंगा ना गली गलियों में मक्खन चोरी करूंगा, अभी पहले तो पता लगा जाए किधर जाएंगे किधर आएंगे। अभी कृष्ण की इच्छा जान करके इतने में तृणाभर्त दैत्य आ गया, इतने में कृष्ण देखा भैया मामा जी आ गए, कोई बात नहीं अभी हमें उड़ा करके ले जाएंगे, लेकिन मैं तो बच जाऊंगा, लेकिन मैया को अगर उड़ा करके ले जाए मैया नहीं बचेगी। कृष्ण पत्थर जैसे इतने बोझिल हो गए, मैया तो नीचे रख दी, इतने में तृणाभर्त आंधी तूफान जैसे आए, पूरा अंधकार कर दिया और पता नहीं कृष्ण को पकड़ करके आकाश में उड़ गया। जब उड़ गया इतने में कृष्ण की मन में इच्छा थी कोई एरोप्लेन आ जाए थोड़ा घूम लूं, कृष्ण पूरा ऊपर में सहर कर लिया, लेकिन लैंडिंग करना पड़ेगा ना, प्लेन लैंडिंग करता है, अरे भैया उतर गए से देखना, किसी बच्चे को अगर आप ज्यादा ऊपर उछाल दो ना बच्चे डर जाते हैं। इतने में कृष्ण डरते हुए उसको गले को ऐसे दबाया तो गला घोट गया बंद हो गई, फिर तो तृणाभर्त ने धड़ाम कर मैया देखी, भैया लाला को तो हमने यहाँ सुलाया, लाला कहाँ पर देखा, लाला दूर में पड़ा हुआ और एक राक्षस मरा पड़ा हुआ। फिर भैया कन्हैया को ला करके फिर गोमूत्र से गोबर पानी से स्नान करवाया, फिर काला गैया की पूछ से झाड़ा लगवाया और राय मुन की मंत्र करके लाला गोबर में छिड़काव करवाए। हैं एक दिन कृष्ण देखो यहाँ पर शिक्षा देते हैं, कभी कभी जैसे थोड़ी समय के लिए ये आंधी तूफान आ गई ना, ध्यान देकर सुनो, जैसे थोड़ी समय के लिए आंधी तूफान आ गई कृष्ण दूर कर दी। आप लोगों देखना कभी कभी हम भक्ति करते हैं, भक्ति करते करते हमारा जीवन में भी कभी कभी आंधी तूफान आ जाती है, जैसे घर में कोई अनहोनी हो गई थोड़ी इधर उधर हो गया, उसी समय हम लोग बड़े दुखी हो जाते हैं, सोचते हैं हम ठाकुर जी के इतने भजन पूजा पाठ की और हमारे घर में कई सानून, इसलिए कभी कभी थोड़ी समय के ना चंचल हो जाते हैं। यहाँ पर कृष्ण शिक्षा देते हैं, नहीं अगर थोड़ी जीवन में थोड़ी बीमारी कोई विपत्ति आ जाए तो कभी उसमें दुखी नहीं होनी चाहिए, दुखी नहीं होकर के भगवान की नाम को लेनी चाहिए और ठाकुर जी का नाम लोगे ना ठाकुर जी घर का सारे दुख कष्ट को ठाकुर जी दूर करते हैं, इसलिए चिंता मत करो। देखो एक छोटी सी स्टोरी सुन लो, जो भक्ति करते हो ध्यान देकर सुनो, कभी कभी अगर भक्तों को जीवन में कोई दुख आ जाए आप उसको किस रूप में ग्रहण करोगे ये चीज को समझो।
एक समय दो भाई थे, कितने भाई थे आप लोग सुन रहे कि नहीं, कितने भाई थे, दो भाई, सुन रहे ना, इसलिए घर में दो भाई थे। एक भाई तो खूब भजन करते, लेकिन एक भाई भक्ति भक्ति उसको कोई मतलब नहीं, बल्कि जो भक्ति करता है वो उसको खिली उड़ान करता है। बोले क्या दिन भर माला लेकर हरे कृष्ण करते रहते हो, और ये पत्थर को सामने, ठाकुर के सामने पत्थर को सामने दिन भर बैठा रहता, बेकार अपना समय को क्यों बर्बाद कर रहे हो। इसे उसको खिली उड़ाया करता था। एक दिन क्या हुआ, दोनों भैया कहीं निमंत्रण में जा रहे थे, जाते जाते जो भाई भक्ति नहीं करता था उसको एक सोने की मोहर मिल गया। उसने कहा देख लिया, मैं तो भगवान का नाम भक्ति करता नहीं, देखो मेरे को सोने की मोहर मिल गई। उसने देखा भैया बात सही है, लेकिन उन्होंने जब और थोड़ी दूर गए ना, जो भक्ति करता था उसको प्यार में एक लोहे की सिक कर गई और खून बहने लग गया। अभी तो उसको मौका मिल गया, बोले देख लिया तू इतने राम राम कृष्ण कृष्ण राधे राधे बोलते हो, अब तेरे को क्या मिला और मेरे को क्या मिला, देख लिया। इसलिए भक्ति भक्ति बेकार की छोड़े से भजन भजन। अभी जो भैया भक्ति करता था वो तो देख के बड़ा दुखी हो गया, बड़ा दुखी हो गया। उन्होंने ठाकुर जी का स्मरण किया, बोले ठाकुर जी मैं तेरा इतना नाम लेता हूँ, इतने पूजा पाठ में भक्ति करता हूँ, और तू इनको सामने मेरे को इसे बेइज्जत करते हो। जब उन्होंने ये बताया ना, इतने में आकाशवाणी हुई, बोले बेटा ये मत समझो भक्ति करने वालों को दुख मिलता है और भक्ति जो नहीं करते उसको सुख मिलता। बेटा ध्यान देकर सुन लो, बोले देख ये पूर्व जन्म की बात सुनो, आज जो इसकी सोने की मोहर मिली, ये पूर्व जन्म में इसने इतने दान पुण्य किया था, ये आज का दिन राज दरबार में इसको राजा बनने का था, राज तिलक लगने वाला था, लेकिन वो चुके मेरे को और मेरे भक्तों को निंदा करता है, इसलिए मैंने उसका सारे पुण्य को मैंने खत्म कर दिया। सारे पुण्य को खत्म करके केवल उसे सोने की मोहर देकर तो वंचित कर दिया। बेटा तू अपना जीवन की कथा सुन, पहले जीवन में तुमने एक मर्डर किया था, आज का दिन तुमको राज दरबार में फांसी झूलने का था, लेकिन तू मेरा भजन करते हो, तू मेरी भक्ति करते हो, मैंने सारे दुख पर जितने पाप को मैंने खत्म कर दिया और प्यार में एक सीख गड़ा करके तेरे को मैंने छोड़ दिया। तुम ये मत समझो जो भक्ति नहीं करते हैं उसको सुख मिलता है और जो भक्ति करता है उसको दुख मिलता। बेटा कभी ऐसे मत समझना, ठीक है ना। अगर प्रभु की भक्ति कर रहे हैं, अगर जीवन में थोड़ी थोड़ी कोई दुख आ जाए, बिलबिलाना नहीं, ये समझनी चाहिए जीवन में बहुत बड़ी कोई कष्ट आने का था और ठाकुर जी उनने थोड़ी सी दुख देकर के दूर कर दिया, ये समझनी चाहिए, ठीक है ना। समझ गए हो, कौन कौन समझ गए हो, वाह अरे सब पंडित हो गए, अच्छी बात है। एक बार हाथ लगा बोलो, बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे वृंदावन बिहारी राम की जय, जय जय श्री राम। के वृंदावन के को
परली पार मतलब ये भवसागर में नहीं, उस पार ठाकुर जी के धाम परली पार कौन कौन जाएंगे? ओ सभी लोग जाएंगे, कथा में आए। हाँ तो आइए, अब ये व्यक्ति जो है ये मंदिर मंदिर में आते हैं ना लोग, तो मंदिर में आजकल लोग आते हैं तो कैसे आते हैं? देखिए चप्पल को ऐसे ऐसी जगह पर रखते हैं आजकल लोग जो मंदिर आते हैं, चप्पल को ऐसी जगह पर रखते हैं कि भगवान जी भी दिखे और चप्पल भी दिखे। हाँ तो फिर भगवान के पास आकर स्तुति करता है, कैसे स्तुति करता है देखिए, कि तमेव माता शपिता तमेव, मतलब क्या हुआ, भगवान जी माता हुए और पिता कौन हुए? चप्पल। मन कंट्रोल नहीं है मंदिर में आशे, मतलब चप्पल की ओर ध्यान रहता है। चप्पल उठाने वाले भी बहुत आते हैं जगह जगह, अरे चप्पल की बात तो दूर है, ये चेन वेन भी छीन ले जाते कहिएगा, इसलिए आप लोग संभाल के बैठेंगे। तो अच्छा एक व्यक्ति को जो है मार पीने की आदत थी, मार समझते हैं वो चावल में से जो निकलता है।